हेडिंग डाल लीजिए, नया हेडिंग, बिल्कुल बहुत है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। देखिए, हाँ बेटा, हाँ ये फजान्स रूल की एप्लीकेशंस में ही आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, अगर कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में ज्यादा आयनिक करेक्टर है, समझना बात को, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, या यस और नो? यस। तो ज्यादा आयनिक होना ज्यादा सॉल्युबिलिटी को शो करेगा। जो आयनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छे होते हैं वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटीज के लिए हमारे लिए फजान्स रूल तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास फैक्टर आएंगे। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल होता है तो कैसे होता है, पहले उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ए बी, सही है। ए बी के लिए अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले ए को अलग कर दो, ए बी ए प्लस गैस बना दो और बी माइनस गैस बना दो, तो बताओ ये क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, यस और नो? लैटिस एनर्जी। फिर इसको आप पानी में डाल दो H2O के अंदर, तो जब पानी में डाल दोगे तो ये जो ए बी कंपाउंड है ये ए प्लस एक्वस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? बी माइनस एक्वस कहलाएगा, यस और नो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी आपके पास? डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए प्लस एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ बी माइनस, कोई डाउट? तो ये यहां से लेकिन यहां तक आना पूरी एनर्जी का समेशन, या आप एक ही स्टेप में आ जाओ उतनी एनर्जी लगेगी। ये बात मुझसे पहले किसने बताई थी? हैस्लो ने। हैस्लो एनर्जी कंजर्वेशन से, आप कोई भी काम इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है तो वो कितनी स्टेजेस हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कोई भी काम कितने स्टेप्स में होता है इस पर फर्क नहीं होता यदि इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम है तो। तो यहां डेल्टा एच क्या कहलाएगी? ये सॉल्यूशन ऑफ ए बी। तो क्या डेल्टा एच सॉल्यूशंस अगर आप बात कर रहे हो ए बी के लिए तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। समझ में आ रही है बात? तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि आप तोड़ रहे हो एक लैटिस को। ये किस में होगी? नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी लिबरेट होगी। यहां एनर्जी क्यों लिबरेट होगी? क्योंकि कैटायन के सामने ओ माइनस आ जाएगा H2O का और यहां एनायन के सामने H प्लस आ जाएगा H2O का, तो एक तरह से डायपोल आयन अट्रैक्शन क्रिएट होगा जिससे एनर्जी लिबरेट होगी, तो ये भी नेगेटिव होगी। ये वैल्यू इन तीनों का समेशन है सॉल्यूशंस। अगर इन तीनों का सॉल्यूशंस मिलकर आपके पास डेल्टा एच सॉल्यूशंस नेगेटिव आता है तो कंपाउंड के बारे में आप क्या कहोगे? इजीली सॉल्युबल। और डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो कंपाउंड लेस सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। तो ऐसे कंपाउंड को गर्म करके बाहर से एनर्जी देके आप सॉल्युबल कर पाए तो अलग बात है, अदरवाइज कम सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? तो सॉल्युबिलिटी को कौन फैक्टर डिफाइन करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली होता है। कुछ कुछ समझ में आ रही है? और लैटिस एनर्जी, ध्यान से सुनना, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होती जाएगी? कम। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए ये पॉइंट आ गया, और ब्रैकेट में लिख सकते हो लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, बॉन्ड लेंथ। आर का मतलब आर प्लस प्लस आर माइनस दोनों आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो
तो ये हमारे लिए लैटिस एनर्जी आ रहा है। दूसरा सॉल्युबिलिटी परसेंटेज, सॉरी प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी है, और हाइड्रेशन एनर्जी अट्रैक्शन बॉन्ड पे डिपेंड करती है, यानी कि 1/r+। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, साइज छोटी होगी, उतना ही H2O के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और एक और चीज है, प्रोपोर्शनल 1/r- भी होगा, एनायन भी छोटा होना चाहिए और कैटायन भी छोटा होना चाहिए, जिससे आयन डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं आपके लिए, एक बहुत अच्छा तरीका बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी प्रोपोर्शनल 1/r+ प्लस 1/r- दोनों के साथ होगा, जबकि लैटिस एंथैल्पी प्रोपोर्शनल 1/r+ प्लस 1/r-। समझ में आ रही है बात? तो अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर आपका आर प्लस बढ़ेगा या साइज आर प्लस बढ़ेगा, कुछ रिजल्ट्स आपके पास मैं शेयर करने चाह रहा हूं, आर प्लस बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, और डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि दोनों ही कम हो रहे हैं या दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम, और लैटिस एनर्जी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ेगी। तो एक फैक्टर कहता है बढ़, एक कहता है कम हो, तो हमें किसकी जरूरत होगी, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो हमें यहां पता लगना चाहिए कौन डोमिनेट है, बिना डोमिनेटिंग के तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन डिसाइड करेगा, मैं ऑब्वियसली मैं ही बताऊंगा आपको, और किस फॉर्मेट में बताऊंगा, गुरु मंत्र। समझ में आ रही है बात? तो यहां आप बोल नहीं पाओगे, ये कहता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, और ये कहता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो दोनों आंसर अलग अलग कह रहे हैं, इज दैट क्लियर? और यही चीज आर माइनस के साथ भी है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई फला फला ग्रुप के अंदर ये डोमिनेट है, तो आप इससे आंसर देंगे, ये डोमिनेट है आप इससे आंसर देंगे, यस और नो? तो ये तो एक पॉइंट हुआ। एक और आपके पास हो रहा है, सॉल्युबिलिटी सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो आपने लैटिस एनर्जी से बताया, तो कुछ इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र लिख लो, जो भी आपने पढ़ा है उससे गुरु मंत्र। तो आपने जो पढ़ा है गुरु मंत्र, उससे आपने ये बताया कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एंथैल्पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर, ये दोनों फैक्टर से सॉल्युबिलिटी को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आ रही है कुछ बात समझ में? मतलब हमारे साथ क्या है कि हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर डोमिनेट हुआ तो आंसर हाइड्रेशन एंथैल्पी से देंगे, और लैटिस एंथैल्पी डोमिनेशन हुआ तो लैटिस एनर्जी के लिए हम बात करेंगे। मेरी बातें कोई समझ में आई, यस और नो? बोलो यस और नो, यस। तो पहला चीज आ रहा है, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, मेटल हैलाइड्स या हाइड्रोक्साइड जो भी हो रहे हैं, यहां तो आप आंसर देंगे सॉल्युबिलिटीज के लिए, इस वाले एरिया में तो आप आंसर देंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यानी कि बाय फजांस रूल,
सीधा परसेंटेज आयनिक करेक्टर, दिमाग ही नहीं लगाना, यानी बाय फजांस रूल। सॉल्युबिलिटी, फजांस रूल बहुत अच्छे से लगता है डी ब्लॉक के लिए, और वहां आंसर हमें फजांस रूल से ही देना चाहिए सॉल्युबिलिटीज के लिए, लेकिन यहां हमारे लिए लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी से आंसर देना पड़ेगा। और कौन सा डोमिनेट करेगा उसके लिए फिर आपको गुरु मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा इन मेटल हैलाइड्स के लिए। भाई दो ही मेटल हैलाइड्स के लिए हम पकड़ के चल रहे हैं, एक तो एस ब्लॉक और एक डी ब्लॉक, पी ब्लॉक को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हम। कुछ कुछ समझ में आ रही है बात, तो शुरू करें। अब आपके लिए सॉल्युबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सॉल्युबिलिटी एक तरह से आप खुद सोचना कि आज एक आयनिक कंपाउंड है NaCl ले लिया, क्या इजीली लिक्विड हो जाता है क्या? नहीं ना, बहुत गर्म करना पड़ता है तब जाके वो आयन के बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पानी में डालते ही, वो बिना कुछ दिखे ही वो अपने आप सॉल्युबल होने लग जाता है, आपको अलग से हीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सीधा सा है, जितनी एनर्जी उनके लैटिस को तोड़ने में लगी है कहीं ना कहीं वही एनर्जी पानी ने उसको दे दी। मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये Na है, प्लस Cl 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 Cl, एक पीछे की तरफ एक माइनस, 6 Cl से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैंने पहले भी समझाया था आपको, या सुनो। तो ये 6 बॉन्ड है, तोड़ दो इनको, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का क्या नाम दोगे? लैटिस एनर्जी, या सुनो। अब दूसरे बॉन्ड कब बनेंगे? इसको तोड़ के पानी मिला दो, इसमें नए बॉन्ड बनेंगे। यही Na अब किससे जुड़ा हुआ है? H2O, ये O O O O, कितने H2O एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम कितने H2O, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हजारों या लाखों या कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी एक Na प्लस के लिए, लेकिन एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये क्या है? ये तो एक डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशन में जुड़ेंगे। तो जब ये थ्री डायमेंशन में जुड़ेंगे तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप? आयन डायपोल अट्रैक्शंस। ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो NaCl पानी में नहीं डिजोल्व होगा, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो नहीं होगा, और ये ज्यादा हो गई तो आसानी से होगा। आप मुझे बताओ NaCl पानी में आसानी से डिसॉल्व होता है या नहीं होता? होता है। इसका मतलब हो ना हो ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, आयन डायपोल अट्रैक्शन। इंडिविजुअली ये बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन ये है 6, समझना, और ये हजारों लाखों में, तो ये डोमिनेट कर जाता है। 6 पहलवान अच्छे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की अगर लाखों की भीड़ हो जाएगी तो वो 6 पहलवान भी हार जाएंगे, वही कुछ यहां हो रहा है। हाँ या ना? अच्छे से समझ में आ गया? तो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने वक्त हम दोनों फैक्टर देख रहे हैं, लैटिस एनर्जी, इसको तोड़ना है, ये बन रहा है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें रिलीज बन रही है। अगर एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज एनर्जी से ज्यादा है तो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन अगर रिलीज एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा है तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। और ये कांसेप्ट लगता है मेरे एस ब्लॉक के मेटल हैलाइड हाइड्रोक्साइड्स में। डी ब्लॉक के लिए तो मैं आयनिक करेक्टर से कर जाता हूं। कुछ समझ में आया? तो अब मुझे क्या पढ़ना है? मुझे ये पढ़ना है कि ऊपर से नीचे आने पर ये फैक्टर और ये फैक्टर में कौन डोमिनेट है, और जो डोमिनेट है उसी के एस्पेक्ट में आंसर देते हुए कर लेंगे। आप मुझे बताएं मेटल हैलाइड में ऊपर से नीचे आने पर मेटल की साइज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होगी और लैटिस एनर्जी भी कम होगी, होगी या नहीं होगी? तो जब अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट है तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, और कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। और अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट है तो ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यानी कि मेटल हैलाइड या हाइड्रोक्साइड में ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, शर्त यह है कि हमें पता चल जाए डोमिनेट क्या है। समझ में आ रहा है? और अगर जिगजैग भी हो सकता है, कई बार जिगजैग कब होगा कि कुछ हद तक ये बढ़ी और फिर उसके बाद डोमिनेट ये हो गया, तो जिगजैग हो जाएगा, बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट फिनोमेना कैसे करेंगे हमारे लिए काम आसान हो जाए, तो उसके लिए लगेगा
गुरु मंत्र, कितनी सही बात कह ली। तो स्टार्ट करें गुरु मंत्र अगली क्लास से, तो हेडिंग रहेगी गुरु मंत्र। देखिए हम बात कर रहे हैं अब धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, साउंड चेक। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स की हम किस तरह से बात करते हैं, पहले ध्यान से सुनना इस पॉइंट्स को। हम इस टॉपिक को दो तरह से करेंगे, पहले कि भाई कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है, फिर सॉल्युबल है तो सॉल्युबल में भी कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, ये दो पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो पहले तो हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाए भाई यस और नो का आंसर, कंपेरिजन का तो हमारा आंसर बाद का होगा, हाँ या ना। तो पहले तो ये हो जाएगा यस और नो। तो इसके लिए मैंने कुछ अप्रोचेस बनाई है। फॉर एग्जाम्पल हम ये सब हमारे लिए पॉइंट्स हो गए जो हमारे दिमाग में अंदर तक बैठे रहते हैं, तो इनऑर्गेनिक हमारे को पूरी ईजी लगेगी। तो क्या है ये पॉइंट्स, ऑल एल्कली मेटल्स सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि जब भी आपको सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांशियम दिखे यही है एल्कली मेटल्स, आप सीधा बिना दिमाग लगाए सॉल्युबल मार देना, मार दिया। लिथियम के साथ थोड़ा सा सोचना है कि लिथियम के सारे हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन फ्लोराइड नहीं है सॉल्युबल, पक्का। अजीब सी बात है क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बात की बात है कि क्यों है। तो कोई भी कंपाउंड अगर सॉल्युबल होगा तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, और सॉल्युबल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही बोलते हैं हम। तो हमारे को तो आंसर चाहिए, अगर हमें आंसर मालूम है तो रीज़न तो हम बना लेंगे, सही है। लिथियम कार्बोनेट फास्फेट, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ऑक्सीलेट C2O4 क्या है हमारे लिए, ऑक्सीलेट आयन। आपको मालूम होगा ऑक्सीलेट आयन किस तरह से वर्क करता है, ये होता है ऑक्सीलेट, पहले तो ऑक्सीलेट समझो, पक्का। ये ऑक्सीलेट होता है और ये क्या होता है, CaCCOO- एसीटेट, आ रहा है बात समझ में। तो ये लिथियम ऑक्सीलेट हो जाएगा, ये भी पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो लिथियम के कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल है, ऑक्सीलेट फॉस्फेट कार्बोनेट एंड फ्लोराइड। तो आपसे रैंडमली पूछ ले कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लिथियम फ्लोराइड की या लिथियम आयोडाइड की, आयोडाइड की, फ्लोराइड की कम आ रही है, बाकी बातें बाद में, सही है ना। इससे आंसर निकलने लग जाएंगे आपके बहुत सारे। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, भाई जब भी आपको मेटल कोई भी हो, भले वो एस ब्लॉक का हो या पी ब्लॉक का हो या डी ब्लॉक का हो, अगर उस मेटल है और उसके साथ नाइट्रेट है तो वो सॉल्युबल होगा, दिमाग क्लियर। तो बताओ अगर आपसे पूछा जाए फेरस नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट, सॉल्युबल है। जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल है। कॉपर नाइट्रेट सॉल्युबल है, यस और नो। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट तो वैसे ही सॉल्युबल है क्योंकि सोडियम के तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल है। तो सोडियम और नाइट्रेट एक ऐसी चीज है, यानी सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और नाइट्रेट एक ऐसी चीज है जो हमेशा दिखते ही आप सॉल्युबल मार्क करेंगे। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, यानी अमोनियम के सारे सॉल्ट्स भी सॉल्युबल होते हैं, होते हैं ना। मैं कुछ हद तक अमोनियम को सोडियम जैसे ही बोल देता हूँ, क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर्टी अमोनियम की होती है वही प्रॉपर्टी मिलती जुलती क्या होती है, सोडियम की। बस ये कि सोडियम के सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है और अमोनियम के कम कम है, लेकिन सॉल्युबल है। तो इसीलिए कुछ शुरुआत में जब पहले पहले बात चली थी ना, तो अमोनियम के सॉल्ट्स को भी हम पता है एल्कली मेटल सॉल्ट्स की तरह ही समझ रहे थे, बाद में पता चला नहीं अमोनियम एक अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर थी, वैसे ही वाइट सॉलिड दिखते थे वो के वही प्रॉपर्टी थी। आगे क्लोरेट, ये क्लोरेट है, पर क्लोरेट एसीटेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। भाई अपन ने एक तो नाइट्रेट पकड़ा और ये भी उन्हीं की पीछे पीछे चल रहे, क्लोरेट पर क्लोरेट एंड एसीटेट। तो आपसे कोई बोल दे लेड एसीटेट सॉल्युबल है या नहीं है, है? उसके सल्फ नाइट्रेट हाँ है, उसके सल्फेट सल्फाइट ये है या नहीं है, हैलाइड मालूम नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो बाकी लेड एसीटेट सॉल्युबल है, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है ना, होगा तो हम साथ के साथ लिख रहे हैं। ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड दिखते ही आपको सॉल्युबल दिखेंगे भले वो लिथियम ही क्यों नहीं हो, एक्सेप्ट पीबीएचजी एजी,
प्रभा होगी आगे, प्रभा होगी आगे, ठीक है। प्रभा कौन है ये? बट जो भी ये आगे खड़ी होगी उसी का नाम प्रभा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि पीबी एजी के हैलाइड सॉल्युबल नहीं है, भले वो क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो। तो मुझे बताओ लिथियम क्लोराइड सॉल्युबल है या नहीं है? लिथियम क्लोराइड है। और सिल्वर क्लोराइड नहीं है। लिथियम फ्लोराइड है, नहीं है, एक्सेप्शन था, जबकि लिथियम क्लोराइड है। तो इसका मतलब फ्लोराइड जनरली सॉल्युबल होते हैं, लिथियम के केस में नहीं हो रहे, और ये तो इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है लेकिन ये इनके केस में नहीं है। ये भी सॉल्युबल होते हैं लेकिन इनके केस में नहीं है। F माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि F माइनस के कई कुछ जगह लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एक्सेप्शन बन रहे हैं, नहीं औरों के साथ नहीं है, बाकी जगह सॉल्यूबल है। AgF भी सॉल्यूबल है, AgF सॉल्यूबल है, नहीं है, फिर यहाँ ये चीजें दिक्कत करेगी। AgF सॉल्यूबल है, आ गई बात समझ में? तो दो दो प्रॉब्लम से बड़ी मुश्किल से बनते हैं ये पॉइंट्स, ऐसे नहीं बनाए। ऑल सल्फेट कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल, सल्फेट सॉल्यूबल होते एक्सेप्ट कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एजी, यानी इनके कम है। इवन पीबी भी थोड़ा कम ही सॉल्यूबल होता है, लेकिन ठीक है, होता है, आ रही है बात समझ में? तो इनके तो क्या है, कम सॉल्यूबल है या लेस सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है? सल्फेट, बाकी हो गए सॉल्यूबल होते हैं। जिंक सल्फेट कोई पूछ ले अचानक, सॉल्यूबल है। बेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल है, बेरियम, समझ में आ रहा है। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, यानी कम है, बहुत ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं है लेकिन कम है। आगे ऑल सल्फाइड्स कंपाउंड आर इनसॉल्यूबल, तो सल्फाइड जब भी दिख जाए इनसॉल्यूबल है, लेकिन हमने एक लाइन पहले पढ़ी है, एल्कली मेटल के सल्फ तो सारे सॉल्ट्स क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे, जबकि एस माइनस तो क्या है, एनायन है। तो अगर इसके साथ फर्स्ट या सेकंड ग्रुप आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो जिंक सल्फाइड इनसॉल्यूबल है, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूबल है, पोटेशियम सल्फाइड सॉल्यूबल है, बेरियम सल्फाइड सॉल्यूबल है, कैल्शियम सल्फाइड सॉल्यूबल है, समझ में आ रहा है, निकल सल्फाइड इनसॉल्यूबल है, बस यही मैं बता रहा हूँ, फेरस या फेरिक सल्फाइड इनसॉल्यूबल है। ऑल सल्फाइड, ये सल्फाइड कार्बोनेट क्रोमेट और एंड फॉस्फेट आर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट दिस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अमोनियम और फर्स्ट ग्रुप के तो सारे ही सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। तो जिनके जब भी इनसॉल्यूबल लिखूंगा तो ये उनके लिए क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन का काम करेंगे, आ रही है बात समझ में। ऑल हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल है तो एक्सेप्शन तो बनेंगे ही बोलेंगे। कौन होगा, फर्स्ट है और कुछ सेकेंड है और अमोनियम, क्योंकि इनके तो सारे सॉल्ट सॉल्यूबल है। सेकेंड ए के अंदर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो रहा है, समझना। तो एक तो इसमें फजांस रूल से अगर आप सोचेंगे तो पॉलरिटी बहुत ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट हो जाएंगे, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्रिएट होंगे, और दूसरा लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू हाई चार्ज। तो सॉल्युबिलिटी दोनों ही फैक्टर से मिला के क्या हो जाएगी, कम होती है। सॉल्युबिलिटी को कम करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, बढ़ाने वाला एक ही फैक्टर है और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो? तो इस तरह से हम सोचते हैं, इनकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है और इनकी पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा है, खत्म बात। वो तो एनायन है, एनायन के लिए अब फर्स्ट ग्रुप तो वैसे ही कम है, पोलरिटी कम होती है उनमें, आयनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं तो सॉल्युबिलिटी के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी भी तो ज्यादा होगी। Li2SO4 बनेगा बिल्कुल, लेकिन वह सॉल्यूबल होगा। हाँ, तो कुछ कुछ समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमने ये तो मालूम है ये सॉल्यूबल है या नहीं है, दूसरे काम के लिए का मतलब ये हो गया कि हमें ये भी बता दे कोई अप्रोच कि सॉल्युबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी या कम होगी, तो मजा आ जाए। तो पहले ये लिखें जल्दी से। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में क्या पढ़ा कि भाई कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है, इसके बारे में हमने आइडिया लिया, लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है
इसके बारे में हम आइडिया अब लेने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें ये पता चल जाए कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है या नहीं है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो सॉल्युबल होगा, और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो इनसॉल्युबल होगा। लैटिस एंथैल्पी का मतलब आयन ही नहीं टूटेंगे, टूटेंगे ही नहीं, तो फिर वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से कैसे कंपनसेट हो पाएंगे? नहीं होंगे। तो ऐसी ही चीज़ें हमारे लिए क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है, श्योर, लॉक कर दें। तो अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कैसे मैं बता पाऊं कि कब हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करती है और कब लैटिस एंथैल्पी। लेकिन कुछ कुछ तो आपको आइडिया है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी हो या लैटिस एंथैल्पी हो, दोनों ही साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी, और लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर पता चला नीचे जाने पर लैटिस एंथैल्पी तो बहुत कम 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 हो रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत तेजी से कम हो रही है, तो आंसर किससे देना पड़ेगा आपको, लैटिस एंथैल्पी से। दूसरी तरफ अगर ऐसा उल्टा हुआ, नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम 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 हो रही है और लैटिस एंथैल्पी बहुत तेजी से कम हो रही है, तो आंसर किससे देना पड़ेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। ठीक है, मतलब ये समझना पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं कि किससे करना पड़ेगा। मैं यहां पर अपनी लैंग्वेज सही करना चाहूंगा, जो तीज ज्यादा कम हो रही है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, और जो ज्यादा डोमिनेट कर रही है उससे आपको आंसर देना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है? तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि कुछ मैंने आयन्स को डिवाइड कर दिया स्मॉल में और बिग में। हम सॉल्युबिलिटी का तभी पता लगा पाएंगे जब कोई एक आयन कॉमन हो, जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। कौन सा आयन कॉमन है, लिथियम, या दूसरी तरफ लिथियम, मैं ऐसे ले लेता हूँ, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रूबीडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन कॉमन है। तो पता चल जाएगा आपको जिनमें कंपेयर करना है उनमें कौन सा आयन कॉमन है। तो जो कॉमन है, जो भी कॉमन है, उससे आप आइडिया लगा लो कि वो स्मॉल है या बिग है, उसके बाद हमारी अप्रोच लगेगी। तो किन आयनों को मैंने स्मॉल माना है, लिथियम सोडियम ओ माइनस टू यानी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, और सेकंड ग्रुप के जितने भी मेटल है, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्मॉल में है। और बाकी अदर आयन्स जो हैं, रूबीडियम, सीजियम, आयोडीन, ब्रोमीन, ये क्या है, बिग में है। तो क्लोरीन ना मैंने स्मॉल में रखा है ना बिग में रखा है, तो ये जिगजैग रहेगा, इसका कोई खुद का करेक्टर नहीं रहेगा। ये हमारा एक पॉइंट आ गया, किसका करेक्टर नहीं रहेगा, खुद का, क्लोरीन का। बाकी सबका तो करेक्टर आपने डिफाइन कर ही दिया ऑलमोस्ट, यस और नो? तो इस ट्रिक को और अच्छे से समझेंगे। देखो SLDI का मतलब क्या है, मैंने इसको याद करने के लिए बना रखा है, सुनील लखोटिया देसी इंडिया, मेरा नाम तो लूंगा ही मैं कहीं ना कहीं। तो SLDI, अगर कॉमन आयन स्मॉल है, इसका मतलब स्मॉल है, तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी। तो मैंने यही लिखा है, लैटिस एनर्जी से आंसर देना है, और डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी साइज ऑफ आयन बड़ा होने की वजह से, बिग होने की वजह से, बढ़ने की वजह से, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो यानी कि यहां पर हम जब नीचे जाएंगे तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी क्या, वो भी होगी, लेकिन उसमें इतना ज्यादा खास फर्क नहीं है, लैटिस एनर्जी का ज्यादा डोमिनेट है। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा तेजी से कम हो रही है इसका मतलब, और लैटिस एनर्जी जब भी ज्यादा तेजी से कम होगी उसी से आंसर देना है, और आंसर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास हो गया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो मैं एक आइडिया से लिख रहा हूं, बाद में प्रैक्टिस तो करेंगे। आज मैंने ले लिया, समझना, मैंने कोई भी ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी इस तरह का ले लिया, नीचे तक आने पर लिथियम से लेके सीजियम हाइड्रोक्साइड तक आ गया, तो हाइड्रोक्साइड कॉमन रख रखा है, OH नेगेटिव है, स्मॉल है, तो नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनकेस। तो लिथियम से लेके सीजियम तक जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगी, यस और नो? आ रही है बात समझ में? तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे, यस, क्लियर है?
अगला एल एच डी डी, एल एच डी डी का मतलब क्या है हमारे लिए? लव हैड दोनों दिल से। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉमन आयन अगर लार्ज है, कॉमन आयन हमारे लिए क्या है यहां पर? लार्ज हो गया, तो हमारे को हाइड्रेशन एंथैल्पी से आना आंसर देना है। लव हेड दोनों दिल से, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे वो तो क्या होगी, डिक्रीज होना है और तेजी से डिक्रीज हो रही होगी, और इस जगह हमारा जब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब भी आपको कॉमन आयन इनमें से कोई एक दिखे, रूबिडियम, सीजियम आयोडाइड, ब्रोमाइड, तो और आप दूसरा जो इसके साथ केटायन या एनायन है, वो अगर अगर वो हम नीचे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो नीचे जाने पर उनके लिए क्या हो गए, बस एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। या सुनो, तो आपके बहुत सारे एग्जांपल इससे हो जाएंगे, आप इसको लिखें, फिर अपन एग्जांपल पे प्रैक्टिस करेंगे। लिखें इसको, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी का कंपेरिजन करना है, सामने है, इसमें आपकी कुछ अप्रोचेस काम आएगी, एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और एक आयनिक करेक्टर फजांस रूल से हमें निकालना है। तो जितने भी डी ब्लॉक के उसके लिए तो आप सीधा सीधा फजांस रूल लगाएंगे, आयनिक करेक्टर डिफाइन करेंगे, मोर आयनिक मोर सॉल्युबिलिटी, कब, जब डी ब्लॉक के सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। जब एस ब्लॉक के सॉल्ट्स हैं तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी में देखना है, डाउन द ग्रुप जाने पर अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट करता है सॉल्युबिलिटी देखना, हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और नीचे जाने पर अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट करता है तो हम जानते हैं नीचे जाने पर ग्रुप में लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। तो ये तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको ट्रिक बना लिया, और वो है सुनील लखोटिया देसी इंडिया, यानी एस एल डी आई, एस का मतलब स्मॉल आयन है, आयन जो कॉमन आयन है वो स्मॉल है, एल का मतलब लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, और डी डी देसी इंडिया डी आई का मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, और लव हेड दोनों, लव हेड दोनों दिल से, यानी कि लव हेड एल एच, एल का मतलब अगर कॉमन आयन लार्ज है, एच का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी, और दोनों दिल से डी डी, डी डी का मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इन तीनों का, इन तीन अप्रोच का आंसर पकड़ के हम चलते हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है फर्स्ट वाले एग्जांपल में, मेरे साथ आंसर दीजिए, नहीं आंसर ऐसे नहीं दीजिए, स्टेप वाइज दीजिए, कॉमन आयन जो है वो कौन सा है, सोडियम, सोडियम स्मॉल है या बिग है, स्मॉल, जब स्मॉल है तो आपका बिल्कुल सुनील लखोटिया देसी इंडिया डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आप बहुत जल्दी से लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी ये आपके पास अप्रोच होगी। यहां कॉमन आयन क्या है, ओ माइनस, ये भी स्मॉल है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और इसके लिए भी आपका आंसर क्या होगा, एस एल डी आई। यहां एनायन कैसा दिख रहा है आपको, स्मॉल या बिग, बिग लार्ज, तो यहां पर कौन सी आएगा, लव हैट दोनों दिल से, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस, यहां एनायन आपको कैसा दिख रहा है, लार्ज, बिल्कुल लार्ज है, तो यहां पर भी आपकी डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बेरियम सल्फेट तो आप इतना मान लीजिए पीपीटी ही बना देता है, ऑलमोस्ट पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, तो यहां पर भी लव हेट दोनों दल से। यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड ओ एच स्मॉल है या बिग है, स्मॉल है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सुनील लखोटिया देसी इंडिया, यस, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, सुनील लखोटिया यानी कि स्मॉल आयन है, और एल का मतलब लैटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी, उसी से आंसर देना है। अब BeCl2 से यहां पर जाने पर कॉमन आयन क्या है, छोटा है, मैंने आपको पहले ही बोला है कॉमन आयन कौन है, यहां पर Cl है, Cl के साथ दिक्कत क्या आ रही है, बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है कि Cl ना तो हमने बड़े में लिया है ना छोटे में लिया, तो कंपेयर हम इस जगह कैसे करेंगे, यानी कि हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से डाटा बेस हो गया, और डाटा बेस हो गया तो मेरे लिए यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज ही कर रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रही है,
बिल्कुल, इसका मतलब यहां पर हमने सीएल को क्या माना है, थोड़ा बड़ा माना है, क्योंकि मैंने वहां पर अप्रोच में नहीं लिखा था कि ये इसको बड़ा मानना है या छोटा मानना है, तो इसको इस जगह बड़ा माना जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच लो कि ये इतने छोटे आयन है उसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा होगा रिलेटिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब है तो कैटायन ही प्लस टू वाले, तो साइज पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटी नहीं होती, बहुत छोटी हो जाती है। HgI2, इसके लिए तो मेरा फजान्स रूल लगेगा, और F की तरफ जाने पे आयनिक करेक्टर ज्यादा होते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा, मोर आयनिक करेक्टर मोर सॉल्युबिलिटी, फजान्स रूल। खैर लगा लो आप, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो यही है, सही तरीका PbF2, आयनिक करेक्टर फजान्स रूल, F की तरफ जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। FeCl2 FeCl3 फजान्स रूल, और सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, FeCl2 की ज्यादा होगी, फजान्स रूल। बिल्कुल, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन लेस आयनिक करेक्टर, NaF। यहां बड़ा प्यारा आंसर है, लिथियम फ्लोराइड F छोटा है, छोटा है तो स्मॉल है, स्मॉल है तो नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो रहा बात जो हमने पढ़ा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन बनते हैं, इसका ही नाम शायद केमिस्ट्री है। तो एक्सेप्शन कैसे है, लिथियम क्लोराइड, अब क्लोराइड अपने आप में बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, सीजियम के कंपेयर में, रूबिडियम और सीजियम में तो ये छोटा हो जाता है, और इस जगह क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होता है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी यहां तक इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज होने लगती है, यानी जिगजैग मूवमेंट करता है इस जगह। NaHCO3 में हमारा रूल नहीं लग पा रहा है, भाई क्या था, हमने कहा था एनायन बड़ा है, डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, जब बड़ा होता है तो डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, बड़ा बिग होती जा रही है। तो आप मान के चलो ये एक्सेप्शन हो गया, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका आंसर जा रहा है हमारे लिए, बिल्कुल इस जगह हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी तो खैर रहेगा रहेगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक रोल आ रहा है। तो यहाँ पर HCO3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा खासा बना लेता है वाटर के साथ, या आप मान के चलें कि हमें तो लेट यहाँ पर आंसर जितने भी देने चाहिए, नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी क्या होती जा रही है, एक तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, आंसर स्मॉल की तरफ से दे रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर किससे दे पा रहे हो आप, अगर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, देना किससे चाहिए था, हाइड्रेशन से या लैटिस से, हाइड्रेशन से, और दी किससे रहे, लैटिस। तो हम ये बोलेंगे एक्सेप्शनली लैटिस एनर्जी चेंज, एक्सेप्शनली लैटिस एनर्जी डोमिनेट, बस। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने देखा होगा मैंने जितने भी सॉल्ट्स हैं वो लिथियम से शुरू करे थे, यहां नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि लिथियम बाइकार्बोनेट अनस्टेबल है, थर्मल अनस्टेबल है, आप उसको बना नहीं सकते, लिथियम बाइकार्बोनेट अनस्टेबल है, अपने कॉपी में लिखे, ठीक है ना, नॉट जनरेट, बस सिर्फ एक्वस मीडियम में ही वो मिल सकता है, सॉलिड स्टेट में लिथियम बाइकार्बोनेट आपको नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही है। लिथियम, अब आप ये देख रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी और बाइकार्बोनेट के कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। तो पानी में क्या होता है, जब गर्म होता है ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म हो जाता है, बहते पानी में तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही रुकता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनता है, पीवीडी बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, ट्रांसफरेंस। आप देखना नल जो बहुत पुराने हो जाते हैं ना उस, या बहुत दिन हो जाते हैं उसको यूज करते हुए, या यूज किए बगैर बहुत दिन हो जाते हैं, तो साइड में उस जगह है ना नमक जैसा इकट्ठा हो जाता है, वो नमक नहीं होता, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉर्मल नदी के पानी में, समुद्र के पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जैसे ही वो कहीं स्टोर हुआ तो पीपीटी के रूप में वो क्या होने लगता है, बहते हुए पानी में तो डिजोल्व हो जाता है, रुके हुए पानी में वो पीपीटी बना लेता है, तो ये पीपीटी बनाता है, समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको स्टीम टर्बाइन जहां पानी यूज करते हैं इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं निकाला तो ये क्या करेगा, पीपीटी बनाएगा, पीपीटी बनाएगा तो ब्लॉक करेगा, प्रेशर कम कर देगा स्टीम टरबाइन में पानी का, तो ये बहुत नुकसान कर सकता है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है पीपीटी। बाकी ये सॉल्युबल है, ये तीनों सॉल्ट सॉल्युबल है पानी में आसानी से, अच्छी खासी क्वांटिटी में। यहां पर भी हमारा डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी, इंक्रीज हो रही है, इसी का नाम एक्सेप्शन है ये दोनों। MgF2 यहां से यहां तक जाने पर आपको कहीं पर भी दिख रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है,
सही भी लग रहा है, लेकिन बी एफ टू को यहां होना चाहिए था, ये यहां चला गया, बस यही एक्सेप्शन है। कारण ऑब्वियसली किसी का भी नीचे जाते हैं तो कौन सा डोमिनेट करता है, जब आयन स्मॉल हो, लैटिस एनर्जी, इसकी इसके अंदर क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो बस कुछ भी आप सोचे आंसर ऐसा देने की कोशिश करें कि उससे आंसर आपका सही आ जाए। तो बी एफ टू के लिए आप बोल सकते कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अचानक बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी में डोमिनेट करके, या सुनो या पक्का। आप ये तो नहीं कह सकते कि लैटिस एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि चार्ज कितना दिख रहा है, प्लस टू, तो क्या बोलोगे आप, हाइड्रेशन एनर्जी बोल दो कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो इस जगह क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वालों के अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, और नीचे वालों की ज्यादा है तो इसका मतलब वो लैटिस एनर्जी से। कुछ कुछ समझ में आया मेरे कॉन्सेप्ट्स? तो ये आपके मेरे लिए लगभग 15 एक एग्जाम्पल हो गए, 14 एग्जाम्पल, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। यस और नो, लिख लें इसको। अब एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो शायद ही आप में से किसी को मालूम हो। शुरू करूं? देखिए दोस्तों, हम फिर कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आपको सॉल्युबिलिटी किसकी बताई थी, सॉल्ट्स की बताई थी। सॉल्ट सॉल्युबल हैं, क्यों? क्योंकि वो आयन बनाते हैं, जबकि कई बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट है जो आयन में नहीं डिसोशिएट होते फिर भी सॉल्युबल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, दो केस हैं सॉल्युबिलिटी के, एक तो है सॉल्ट्स। सॉल्ट में क्या होता है, मेटल और इसके ऊपर कोई चार्ज होता है और एनायन, और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके ऊपर कोई कंपाउंड नहीं है, ये तो सिंपल ऐसे आर ओ एच, ये भी सॉल्युबल होता है। इनमें सॉल्युबिलिटी आयन की वजह से नहीं होती, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिजोल्व होते हैं पानी में, उनमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि कोई बॉन्ड टूटता ही नहीं, लैटिस एनर्जी जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो आप किसी भी क्वांटिटी में मिलाओ आराम से सॉल्युबल है, कोई सोचना है क्या आपका, कुछ भी नहीं है। जनरली अगर हम बात करें तो यही है, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है सॉल्युबिलिटी की इनके कंपेयर में। आपने कभी पानी में अल्कोहल मिलाया, देखा तो होगा, तो किसी भी क्वांटिटी में मिलाओ, पानी में अल्कोहल मिलाओ या अल्कोहल में पानी मिलाओ, आसानी से डिजोल्व हो जाता है बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में। हाँ ये जरूर है कि अच्छी खासी क्वांटिटी की भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी लिमिट हो सकती है, तो उस पर हम कंपेरिजन करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूँ। आज कई बार आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि मैंने कह दिया, जैसे मैंने एक नाम ले दिया AgNO3 सॉल्युबल है भाई, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है, मैंने बोल दिया ये 3M है। आप कहोगे यार 3M किसे कहते हैं, इतना ज्यादा सॉल्युबल तो नहीं है, नहीं है, ये गलत है, 0.3 M मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये सही है, हो सकता है ये सही हो, समझना मेरी बात को, प्रैक्टिकली डाटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 3.3 मोल यानी 0.3 मोल ले लिए जाए, 1 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो पूरी तरह से सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है यानी कि इसका पूरी तरह से आयन भी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास AgNO3 है और 0.3 M लिखा हुआ है, समझने की बात करना, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.3, और NO3 माइनस की भी कितनी होगी, 0.3।
क्योंकि ये पूरा सॉल्यूबल है, तभी आप वहां पर लिख पाओगे 0.3 m। अगर ये पीपीटी बन के नीचे बैठ जाता तो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी आप बोल पाते क्या? बोलो यस यस और नो, नहीं नो। अगर ये पूरा पीपीटी बन जाता तो इसकी सॉल्युबिलिटी बोल पाते क्या? नो। तो आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब सॉल्ट के केस में, सॉल्ट के केस में जितनी मैं इसकी कंसंट्रेशन दूंगा उसी हिसाब से आप आयन की फटाफट बता दोगे, बहुत आसानी से बता दोगे। कोई समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मैंने यहां पर 0.3 लिखा तो आप बता दोगे 0.3 m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% आयनाइज होगा, तभी तो आप 3 m लिख पाओगे इसको। दूसरी तरफ मैंने लिखा CH3COOH, अब मैं यहां पर 1 m भी लिख दूंगा, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह से डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 लीटर पानी में आपने 1 मोल CH3COOH का डाल दिया, अब वो आयनाइज हो या ना हो लेकिन डिसॉल्व तो हो जाएगा। 1 m बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं। आप 2 m भी बोल सकते हो, आप 3 m भी बोल सकते हो, बोल सकते हो ना। अब ये आयनाइज होगा CH3COOH- में प्लस एच प्लस में। इस केस में आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो किससे कम होगी? CH3COOH- से, 1 m से कम होगी। इस केस में कम होगी, क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो लिख सकते हो आप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन CH3COOH- की कंसंट्रेशन 1 m से कम ही लिखेंगे, क्योंकि आयनाइज थोड़ा ना होता है ये। ये कितनी होगी ये अलग बात है, इसके लिए आपको फिर अल्फा वगैरह दिया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 1 m है तो ये भी 1 m होगा? नहीं। तो यहां अल्फा डिफाइन होगा तब पता लगाओगे, और अल्फा डिफाइन भी होगा, जबकि यहां अल्फा डिफाइन होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां तो लिखने का मतलब ये पूरी तरह से डिसॉल्व है, आयनाइज है तभी तो डिसॉल्व हुआ है। इज दैट क्लियर? पूरी तरह से डिसॉल्व है तभी तो यहां अल्फा डिफाइन नहीं होगा सॉल्ट्स की केस में। समझ में आ रही है मेरी बात क्या हो रही है? बस ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अल्फा कहां डिफाइन होगा? उन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व हुए और उसके बाद आयनाइज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको एक बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं जो आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, क्या CH3COOH के लिए अल्फा कंसेप्ट यूज कर सकते हो आप? हाँ। NH4OH के लिए यूज कर सकते हो अल्फा कंसेप्ट? हाँ। समझ में आ रहा है? इनके लिए यूज करो आप, ये डिसॉल्व होंगे पूरी तरह से, वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएंगे? जिन पास OH ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? तो जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं ऑलमोस्ट वो तो सारे बना लेंगे H3PO4। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आप मेरे को बताओ क्या अल्फा इनके लिए डिफाइन होगा क्या? मैंने कुछ भी दे दिया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, मेटल हैलाइड का नाम सुनते ही काट देना। क्यों कर रहे हो आप बेवकूफी? ये तो आयनाइज होते हैं तब डिजोल्व होते हैं, और नॉन आयनाइज पार्ट को तो अपन वैसे ही कंसंट्रेशन में कवर नहीं कर सकते। तो कुछ कंसेप्ट बने आपके? या सुनो, अगर कोई कहता है सिल्वर क्लोराइड के लिए डिजोल्व के लिए अल्फा की वैल्यू ये है और 1 m है और अल्फा की वैल्यू ये है, तो बताओ सिल्वर प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो सबसे पहले पूछने वाला बेवकूफ है। समझ में आ गई बात? तो कुछ कंसेप्ट समझो, लिखो इसको। देखिए इधर सामने आइए वापस। एक और पॉइंट हमारे सामने आ रहा है और वो है सॉल्युबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आपसे एक डिस्कशन दिया जाए तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहली कंपाउंड इन वाटर, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और आपको इतना दिमाग में बिठा के चलना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने ज्यादा OH ग्रुप है उतनी ज्यादा होती है, और एल्काइल ग्रुप उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो बिग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, अगर कहीं एल्काइल ग्रुप बड़ा है
तो उससे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं आपके साथ। कंपेयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मैंने लिया ये OH, 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 तो बता सकते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? बिल्कुल सही कहा, एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, एक और हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास हो रहा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? थर्ड की, ज्यादा होए चाह रहे, यस और नो? तो आप ऐसे बहुत आसानी से सोच सकते हैं। एक और एग्जांपल, थर्ड, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इन तीनों में, पहले वाले की? जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सॉल्युबिलिटीज बता रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक यहाँ का है ही नहीं। हम तो पढ़ी कुछ और रहे थे, हम तो क्या पढ़ रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी रोल में था। लेकिन क्योंकि एच बॉन्डिंग का रोल है, तो इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग का रोल है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए साथ में।